एबी9 टीवी में आपका स्वागत है। हर खबर पर पहली नजर। राजस्थान ब्यूरो चीफ दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। महिला कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। कोटा, देश भर में पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कोटा जिला मुख्यालयों पर जिला महिला अध्यक्ष मंजू मेहरा एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में केशवपुरा चौराहे पर महिलाओं का जोरदार धरना प्रदर्शन। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में केशवपुरा चौराहे पर थाली पीट किया महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। कोटा महिला जिलाध्यक्ष व उत्तर महापौर मंजू मेहरा ने बताया कि केंद्र सरकार किए गए वादे को पूरा करने में विफल रही है। अच्छे दिन आने के नाम पर पेट्रोल डीजल व गैस के दाम बार बार बढ़ाकर आमजन की कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा अच्छे दिन लाने के नाम पर आमजन के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में भर में जिला महिला कांग्रेस द्वारा अलग अलग जगह चौराहे पर बैठ चूल्हे पर रोटी सेकी गई। वहीं महिलाओं ने चूल्हे पर लकड़ी का उपयोग कर रोटी व खाना बनाया। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का जगह जगह राजस्थान में प्रदर्शन। प्रदर्शन में मुख्य रूप से पार्षद सीमा मिर्जा, पार्षद पिंकी कुमारी, पार्षद सलीना शेरी, पूर्ण पार्षद अमोलक देवी, प्रेमलता वर्मा, पूर्ण पार्षद लक्ष्मी वर्मा, पार्षद संतोष शर्मा, सुनीता वर्मा, सुमन पेचवानी, माता प्रजापति, इति शर्मा, मधु सोनी आदि कई महिला उपस्थित रही। इस समय हमारे संवाददाता से उन्होंने बातचीत की। लेकिन महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई और कोरोना काल में जो COVID-19 में भी उनका मैनेजमेंट ठीक से फेलियर रहा, और ये कारण है कि दूसरी लेन में हजारों लोग हमारे बीच से, यंग जवान 18 से 45 हमारे बीच से चले गए। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई परिवार बर्बाद हो गए। कौन है इसका जिम्मेदार? सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री को गलत नीतियां हैं। आज आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के बहुत 100 रुपये से ऊपर हो गए। गैस सिलेंडर जो कांग्रेस राज में 380 रुपये का आता था, आज 850 का हो गया। खाद्यान्न तेल 2.5 गुने 3 गुने बढ़ गए। ये महिलाओं से पूछो, उनका घर का आम बजट बिगड़ चुका है। लोग आज गैस की जगह चूल्हे पर आ गए, देख लो हमारी बहनें चूल्हे पर रोटियां सेक रही हैं। खाद्यान्न तेल यूज करना बंद कर दिया, सूखी रोटी खानी शुरू कर दी। बहुत स्थिति खराब है। मोदी जी ने देश को चौपट कर दिया है, गरीबों को दबा दिया आर्थिक बोझ के तले। लोग अब कर्जदार हो गए। आप पूरे देश में देख लो, लोगों को जबरदस्त कर्जदार हो गए, लोग बर्बाद हो चुके हैं। इसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार हैं। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जगह जगह जो आह्वान किया गया है, अभियान जो चलाया जा रहा है महंगाई के खिलाफ, 10-11 दिन का ये अभियान है, 7 तारीख से 17 तक जो चलेगा। आज पहला दिन है। आज महिलाओं द्वारा प्रेशर करना था महंगाई के खिलाफ, और हमारी जो उत्तर नगर निगम की महापौर हैं और महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी मंजू मेहरा जी, उनके नेतृत्व में 2-3 जगह आज प्रदर्शन में यहाँ, इसके रामपुरा में भी प्रदर्शन चल रहा है, अभी रामपुरा भी जाएंगी। तो जगह जगह महिलाओं में गुस्सा है। गुस्सा नहीं कह सकते उसको, गुस्सा को गया गुस्से की मैं आज की महिला भारत की संख्या में इकट्ठी हूँ। सरकार ने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज आप खुद भी देख रहे हो अच्छे दिन नहीं आए, बहुत ही बड़े दिन आ चुके हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। महिलाएं इतनी परेशान हो चुकी हैं कि आज वो सड़कों पर आ चुकी हैं और गालियां बजाकर विरोध कर रही हैं। जो गुंडी बैरी सरकार है, भाजपा की गुंडी बैरी सरकार है, उसे जगाने का प्रयत्न करेगी। अगर वो नहीं जागती है तो हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं अगर उनसे अगर सरकार नहीं चलती है और इस तरह के दिन उनको लाने हैं तो वो अपनी कुर्सी छोड़े, नहीं तो हमारी जो महिलाएं हैं लगातार। आज आपने क्या किया? खाली बजाकर और चूल्हे पर, जबकि महिलाओं ने चूल्हे एक अपने कबाड़ में रख दिए थे, अब इन चूल्हों से काम नहीं है। कभी कभी सर्दी में छतों पर चूल्हे जलाए जाते थे जिसमें गर्म पानी करते थे, आज वो चूल्हे उतर चुके हैं और सिलेंडर के दाम बढ़ने से उन चूल्हों पर रोटी बनाई जा रही है। और यहाँ भी देख रहे हो कि चूल्हों पर रोटी बनाकर और हमने की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा किचन चलाना, सिलेंडर चलाना इतना भारी हो रहा है कि हम संभाल नहीं पा रहे। रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, और रसोई के जो भी खाद्य सामग्री है वो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि बजट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारी यही बात सरकार से अपील है कि महंगाई कम की जाए।
आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमलता वर्मा है। दो वक्त की रोटी गरीब व्यक्ति के लिए जुटाना बहुत मुश्किल हो गया, ऊपर से बेरोजगारी और ये कोरोना महामारी, इस चीज का सामना करे गरीब व्यक्ति। और पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हो चुके हैं, पेट्रोल डीजल से हर वस्तु महंगी हो चुकी है, आना जाना महंगा हो चुका है, हर चीज महंगी हो चुकी है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरे यही गुजारिश है कि इस महंगाई को कम करें, समस्या का निवारण करें, ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। नाम बताना आपका।